फ्रेंड्स, रसोई मीना के चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम कुछ स्पेशल अलग आप लोग को बना करके दिखाएंगे। तो जैसे पुराने जमाने में कढ़ी बनते थे, कढ़ी चावल और ये होलिका दहन पे कढ़ी चावल और पकोड़े, तो हम ज्यादा नहीं थोड़ा सा बना करके आप लोग को दिखाएंगे कि किस तरह से बनते हैं। तो चलिए दिखाते हैं सामान। उसके लिए हम बेसन लिए हैं 200 ग्राम, और बेसन में डालने के लिए मसाला तो नहीं ऐसे पड़ता है, पर हम फिर भी दिखा रहे हैं। हल्दी लिए हैं कलर के लिए, आवश्यकता अनुसार डालेंगे, और जीरा ये तड़का के लिए है। ये होममेड मसाला है, इसमें सारे मसाला मिश्रण पिसा हुआ हम घर में पीसते हैं। और ये 8-10 पत्ते हैं कड़ी का। तड़का लगाते समय हम उसमें सूखा मिर्चा और जीरा का फोरन और तेजपत्ता डालेंगे, जो कि अभी नहीं दिखाए हैं। और पकौड़े के लिए हम ये 4 आलू 2 प्याज और 4 से 5 हरा मिर्च लिए हैं, जो हम आपको दिखाएंगे कट करके। तो हम सबसे, और दही, बिना दही तो कढ़ी होगा ही नहीं, क्योंकि होलिका दहन में हम लोग को सुबह में या शाम में बना लीजिए होलिका दहन में, कढ़ी चावल पकौड़े जो भी जितना भी बचका होता है सब बनता है। तो आइए हम सबसे पहले बॉल में हम बेसन ले लेते हैं, एकदम सिंपल तरीके से हम बनाएंगे, और हम ज्यादा नहीं बड़ी बनाएंगे। बड़ी के लिए हम इतना बेसन ले लेते हैं, मुश्किल से 4 या 5 हम बड़ी बनाएंगे, छोटे छोटे हम डाल लेते हैं। देखिए कलर अनुसार हल्दी पाउडर ले लेते हैं इसमें, और इसमें हम डालते हैं ये होममेड मसाला, जरूरत अनुसार नमक, ये हम कढ़ी का पकौड़ा में डालेंगे नमक, और दही, इनको तो ले लिए हम दही। और इसी में हम आपको दिखा देते हैं पकौड़े के लिए, इनमें हम लेंगे 1 से 2 चम्मच दही, बाकी दही सब इसमें हम लेंगे। इसमें हम लेंगे हल्दी पाउडर, इनमें हम लेंगे नमक स्वाद अनुसार। तो सबसे पहले हम पकौड़ा तैयार कर लेते हैं। तो पकौड़ा के लिए हम आपको दिखाते हैं पानी, जितना पानी लगेगा थोड़ा सा पानी हम लेंगे। ये देखिए करीब 2 से 3 चम्मच हम पानी लिए हैं, इनको हम अच्छे से देखिए इस तरह से हम बना लिए हैं बैटर को, गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए इसमें। और इतना और बनाइए कि आपका पकौड़ा मतलब बड़ी इस तरह से हो। तो देखिए हम कोई खाने वाला सोडा नहीं डाले हैं, हर चीज़ में खाने का सोडा जरूरत नहीं हम समझते हैं, हम अपने घर में आप चाहे तो डाल सकते हैं। तो हम इस तरह से घोल बना लिए हैं, अब इनको रखते हैं रेस्ट पर। अब हम कढ़ी को अच्छे से जैसे हम बना रहे हैं आप इस तरह से बना करके देखिए, क्योंकि हम लोग को घर में पहले से इसी तरह से कढ़ी बनते आ रहे हैं, और हम पहले छानेंगे नहीं, अब छानेंगे इनको। देखिए हम दिखाते हैं आपको, इनको फेंटना नहीं है इनको, अब हम सीधे छन्नी में डालेंगे। देखिए इस तरह से और पानी लेंगे, तो हम टोटल 250 ml पानी लिए थे, हम और पानी थोड़ा ले लेते हैं। और ये हमको फिर से हम 250 ग्राम पानी लिए हैं, क्योंकि कढ़ी में पानी थोड़ा लगते हैं। तो हम अच्छे से देखिए, इसलिए हम इसे छान रहे हैं कि एक तो कढ़ी में कोई गुठलियां नहीं रहेंगे, और दूसरा जो होंगे कुछ जैसे इनमें का कोड़ाई होता है, छिलका छिलका उलका होंगे से निकल जाएंगे। और दही का भी अच्छे से इस तरह से पानी हम और थोड़ा सा लेंगे, देखिए। और कढ़ी को फेंटना नहीं है, सिर्फ मिला करके रखना है, और तुरंत हम इनको तड़का लगाएंगे। कढ़ी चावल और पकौड़ा, आलू और प्याज का पकौड़ा हम बनाएंगे। देखिए हम बोले थे ना, देखिए थोड़ा सा इसका छिलका आ गया। तो इस तरह से बनाइए ताकि मुंह में आपका ये कोड़ाई ना फंसे, इसको ऐसे कोड़ाई बोलते हैं, गौ माता को दिया जाता है ढेर सारे कोड़ाई होते हैं। तो इसी तरह से अच्छे से देखिए, टोटल 500 ml पानी लगा है, अब हम पानी नहीं डालेंगे। तो देखिए इस तरह से छान लिए हैं हम, अब हम दिखाते हैं आपको तड़का लगाते हैं, कर लेते हैं। इस पे चढ़ाते हैं कढ़ाई, कढ़ाई में हम ले लिए हैं सरसों का तेल, सरसों का तेल हम कम लिए हैं, 3 से 4 चम्मच लिए हैं आप देख सकते हैं, ताकि इसमें हम पकौड़ा छान के निकाल लेंगे कढ़ी के लिए, और उसी में कढ़ी को हम फ्राई कर देंगे।
तक तेल तेल गरम हो रहा निकला है है। तब तक हम अदहन चढ़ा लेते हैं। हम लोग कुकर में चावल नहीं बनाते हैं, तसले में बनाते हैं। तो हम गैस फ्लेम ऑन करते हैं और चढ़ा देते हैं अदहन होने के लिए। अदहन तब तक हम नहीं चावल डालेंगे ताकि अदहन में उबाल आ ना जाए। अदहन में अच्छे से उबाल आएंगे तो हम चावल डालेंगे। चावल डालते हैं, गर्म हो गए हैं। अभी में हम हाथ के सहारे डाल देते हैं पकौड़ा, छोटे छोटे डालेंगे क्योंकि बिना पकौड़ा के कढ़ी नहीं बनते हैं। तो हम पकौड़ा बना लेते हैं जितना ही में बन जाए, और इसी में हम कढ़ी को तड़का लगाएंगे। बिल्कुल देसी स्टाइल है ये, बड़े बुजुर्ग लोग ऐसे ही बनाते थे, कढ़ी में ज्यादा कुछ नहीं डालते थे। इस तरह से बना के खाइए, सिंपल कढ़ी एकदम। तो सारे पकौड़े हम डाल के लगे हो गए। देखिए पीछे के साइड में कितना बढ़िया से ब्राउन ब्राउन, देखिए कितना खिला खिला हुआ है बिना सोडा का, उतना ही टेस्टी भी होंगे ये। तो देखिए हम इनको अच्छे से पलट रहे हैं, अब पूरे अच्छे से ये पक चुके हैं। देखिए गोल गोल हो गए हैं। अब हम थोड़ी देर में दिखाते हैं आपको, दोनों साइड में एकदम देखिए ब्राउन हो गए हैं, ये हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेते हैं, तेल को इस तरह से संगरा दें और सारे पकौड़े निकाल दें। देखिए कितना बढ़िया से हो गए हैं। ये हम होली स्पेशल पर होलिका दहन के दिन का हम रेसिपी दिखा रहे हैं। अब इनमें हम डाल देते हैं जीरा, जो जीरा हम लिए थे। अब इनमें डाल देते हैं हम ये सूखा मिर्च और तेज पत्ता, खड़े खड़े डालेंगे हम इनको। और डालते हैं ये कड़ी पत्ता। अब इनमें हम कड़ी का तड़का लगाएंगे। जीरा मिर्चा सारा चटक गया है, तो देखिए हम इस तरह से घोल को अच्छे से इससे मिला लेते हैं और हम चलाते रहेंगे। और इस तरह से तड़का चलाते रहेंगे, एकदम चलाते रहिए। अगर आपको लगे कि घोल थोड़ा गाढ़ा है तो आप इस तरह से पानी ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए। तब तक चलाइए जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, नहीं तो फिर आपका कढ़ी में गांठ हो जाएगा। तो ये दही बेसन का कढ़ी बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इस तरह से बनाइए और खाइए। अगर हम बना रहे हैं उस तरह से बनाइएगा, बहुत ही स्वाद लगेगा। ऐसे चलाते रहें, हम तब तक चलाएंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। ऐसे हम देखिए चला रहे हैं और इधर इसी बॉल में हम चावल ले लेते हैं। देखिए हम लोग 4 से 5 लोग हैं, तो करती हूँ 3 गिलास, छोटे वाला गिलास से हम चावल लेंगे 3 और थोड़ा सा। कैसे हम चलाते रहेंगे। और यहाँ ले लिए गर्म पानी, बाजार से चावल लाते हैं तो उसमें काफ़ी मात्रा में पाउडर होता है, हम आपको दिखाते हैं। तो जब भी धोएं तो पहला पानी से आप गर्म पानी से ही धोएं, इस तरह से हथेली से मल लें। हम आपको दिखाते हैं कितना गंदा निकलता है पाउडर, तो गर्म पानी से धोएं। आप देख सकते हैं कितना गंदा है ये पाउडर पॉलिश वाला चावल, इसमें इतना पानी है फिर भी देखिएगा। हम पसा के दिखा देते हैं पानी को टकरा कर, ये देखिए। कहीं कहीं पे लोग चावल साफ देखते हैं तो नहीं धोते हैं, यही दिखा रहे हैं। तो देखिए कितना गंदा पानी है। हमें एक पानी और, अभी तक कढ़ी में उबाल नहीं आया है। अब हम अदहन देख लेते हैं, तो अदहन में अच्छे से उबाल आ गए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया उबाल आ गए हैं। तो अब हम चावल डाल देते हैं। अब हम चावल को धीरे धीरे अदहन में डाल देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि आपका जो चावल होगा, देहात में लोग इसे भात बोलते हैं, तो फुला फुला होगा, बहुत ही सॉफ्ट होगा। तो आज हम यही दिखाने का मेरा मकसद था कि आप लोग देखिए इस तरह से बनाइए खाना, भोजन भोजन बहुत प्यार से बनता है। अब हम इनको ढक देते हैं। कढ़ी में उबाल आने का शुरू हो गया है, देखिए आने लगा है कढ़ी में। अब हम आलू और प्याज जो था पकौड़ा के लिए उसे हम काट लेते हैं, दिखाते हैं। ऊपर का हिस्सा हटा देते हैं, कितनी पतली है। और अब हम पतले पतले, चाहे तो चिप्स जो कटता है चिप्स कटर से भी काटेंगे, लेकिन उनसे एकदम पतली हो जाएगी। हमको ना पतली चाहिए ना मोटी चाहिए, तो इस तरह से हम काट लेते हैं। देखिए
कितना बढ़िया हो रहा है। इधर चावल भी हमारा उबल गया है, हम इनको ढक्कन लगा करके एक बार चला लेते हैं। देखिए, और इधर कढ़ी को भी हम चला लेते हैं। अब हम प्याज को एक गोल छिलका उतार लेते हैं। कढ़ी चावल उबल रहे हैं और इनको गोल ही छीलेंगे, और इन्हें भी हम गोल काटेंगे, लेकिन तब जब इनको बिना चीरे हुए धो लेते हैं। पहले हम आलू एक और काट लेते हैं, काट ले रहे हैं। दो चार मिर्ची का भी पकौड़ा हम बनाएंगे, तो बीच से काटेंगे दो फड़ा हम, देखिए ये इस तरह से काट लेते हैं। और एक आपको तीखा पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा मिर्चा का पकौड़ा बना सकते हैं, हम चार बनाए हैं। और एक प्याज को हम इस तरह से राउंड में इसी तरह से काट लेंगे सारे प्याज को। देखिए देखिए ये देखिए इस तरह से हम काट लेंगे। इधर कढ़ी में हमारा उबाल आ गया, देख लीजिए। जब कढ़ी में उबाल आ जाए तभी आप इसमें पकौड़ा डालिए साथ में। इस तरह से इसका स्मेल देखिए कि कच्चा तो नहीं ना स्मेल आ रहा है, तो कच्चा नहीं है इनमें। हम डाल देते हैं पकौड़ी ताकि अच्छे से इसमें ग्रेवी आ जाए। तो हम डाल दिए, अब इन्हें कम से कम 5 मिनट पकने देते हैं। देखिए हम राउंड राउंड काट लिए हैं प्याज को, स्लाइसेस अच्छे से बना लिए। हम इसी तरह से पकौड़ा बनाएंगे। और आलू को भी हम पानी में भी थोड़ा देर रहने देते हैं, नहीं तो आलू काला हो जाएंगे। तो हम बेसन ले लिए हैं 100 ग्राम चने का बेसन, जो ब्राउन चना होता है, काला चना, उसी का बेसन है ये, उसी का हम कढ़ी भी बनाए हैं। तो हम ले लेते हैं होममेड मसाला, जैसे कि हम हर बार बोलते हैं कि हम घर में ही पीसते हैं, तो मसाला हम ले लेते हैं। इनमें हम सिर्फ मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर में हम लोग पकौड़ा नहीं बनाते हैं। अब डाल लेते हैं हल्दी पाउडर, सारे मसाले डालते हैं, बहुत टेस्टी होता है। आप इस तरह से बनाएं और खाएं, सारे मसाले डाल करके, जैसे धनिया, मिर्चा, जीरा, गोलकी, तेजपत्ता, थोड़ा सा जाफर पीस के रख लीजिए। आराम से 15 दिन मसाला चलाइए। इनमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, खड़ा जीरा, और इस तरह से हम मिला लेंगे। इनमें डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच नमक। इनमें 1/2 टुकड़ा नींबू का जूस भी है और पल्प भी है, तो हम ले लेते हैं और मिला लेते हैं अच्छे से। अब हम घोल बना लेते हैं। 200 ml पानी लिए हैं और अच्छे से हम गाढ़ा घोल, इस तरह से घोल, न गाढ़ी न पतली, अच्छे से घोल तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम रख देते हैं रेस्ट पे। अब हम कढ़ी लेते हैं, यहाँ से दाना लेंगे। ये देखिए चावल हो गया है। अब हम गैस को फ्लेम ऑफ करते हैं, आइए से मार निकाल लेते हैं। मार को हम इस तरह से कपड़ा से पकड़ के निकालेंगे। देखिए ऐसे ही बनते हैं चावल, सही मायने में यही चावल हुआ, ना कि कुकर में। कुकर में आप फास्ट हैं, कहीं जा रहे हैं तो बना लीजिए, लेकिन सही मायने में चावल इस तरह से खाएं। अब इसे ऊपर नीचे पलट लीजिए और देखिए कितना बढ़िया चावल बनकर तैयार हो गया है, गर्मा गर्म। देखिए अब हम फिर से कुछ सेकंड के लिए हम ढक देते हैं ताकि जो चावल थोड़ा कड़ा होंगे वो इसमें अच्छे से पक जाएंगे। अब हम कढ़ी को देख लेते हैं। कढ़ी इधर कढ़ी भी रेडी हो गए हैं, देखिए कितना बढ़िया हुआ है ये। अब हम गैस को ऑफ करते हैं और दूसरे बर्तन में, बड़े के बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं कढ़ी को, और इसे खूबसूरत बनाने के लिए हम थोड़ी सी तड़का और लगाएंगे ऊपर से, सिर्फ देखने के लिए, क्योंकि इसमें तड़का लगा हुआ है, खूबसूरत देखने के लिए हम तड़का लगाएंगे। डबल तड़के के लिए हम कलछी में जीरा ले लिए थोड़ा सा, मतलब चुटकी भर, और सरसों का तेल बस तड़के भर। और तब तक के हम इसमें ऊपर से एक थोड़ी सी धनिया की पत्ती हल्की सी, फिर से हम ढक देते हैं। जीरा चटकता है तब तक के हम मिर्चा को इसी में तोड़ के
डाल देते हैं। ये देखिए ये हम तोड़ के डालेंगे और तेज पत्ते से हम इस तरह से चला लेंगे। अच्छा से चटक जाए तो गैस हम ऑफ करते हैं। देखिए बस जल्दी से हम तड़का लगाएंगे और ढक देंगे। ये तो बन गए हैं, अब हम पकौड़ा बना लिए। पकौड़ा बनाने के लिए हम गैस को फिर ऑफ कर लिए और इस पर चढ़ाते हैं छोटा वाला मिनी कढ़ाई। इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल, थोड़ा गर्म हो जाएंगे। मिला देते हैं हम सरसों का तेल पकौड़ा बनाने के लिए। करीब 250 ग्राम तेल हम तेल अच्छे से गर्म हो गए हैं। देख लीजिए हम कम करते हैं गैस को। जब भी अगर पकौड़ा बनाना है तो खोलते हुए तेल में न डालें, गैस को कम कर दें। अगर लकड़ी पर बना रहे तो थोड़ा लकड़ी को पीछे खींच लें। तो हम इस तरह से कम कर दिया। अब हम आलू बारी बारी से लेते हैं बेसन में। देखिए इस तरह से, और जो धनिया का पत्ता बचा हुआ था हम इनमें हम डाल लिए हैं। इस तरह से हम आलू को डालेंगे। अच्छे से जब सीख जाएंगे तो फिर थोड़ा तेज कीजिए करंची के लिए, थोड़ा करंची हो जाएंगे। इस तरह से हम बना लेंगे। देखिए देख ले रहे हैं आलू सीज गए हैं, तो हम गैस को तुरंत तेज किए हैं और पलट ले रहे हैं सभी को। ये आलू के पकौड़े हैं कच्चे आलू का। देखिए अब इनको हम करंची होने देते हैं, तब फिर हम प्याज वाला देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे से ये सीख गई है तो हम छन्नी से निकाल लेते हैं। ये वाले झड़ने से तेल को सभी को झाड़ लेंगे हम अच्छे से। देखिए इस तरह से तेल को संगा लें। अब हम प्याज वाला बनाएंगे, लेकर के डाल दे रहे हैं। ये देखिए, और इसी में हम मिर्चा भी ले लेंगे। पहले प्याज वाला डाल देते हैं। तो देखिए हम मिर्ची में किस तरह से बेसन को अच्छे से भर दिए हैं। देखिए अब हम जैसे जैसे लोग खाएंगे उस तरह से मिर्चा बनाते जाएंगे। कुछ और प्याज के स्लाइसेस हम डाल दे रहे हैं इसमें। देखिए इस तरह से प्याज के स्लाइसेस का पकौड़ा खाइए, बहुत टेस्टी। बोले जो आज हम खाना दिखा रहे हैं आपको, अगर इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होंगे। आप इस तरह से बनाए खाएं। ये देखिए कितना बढ़िया से खिले खिले ये प्याज के पकौड़े हुए हैं। हम इनको निकालते हैं और साथ में मिर्ची भी है। पहले हम प्याज वाला पकौड़ा निकाल लेते हैं। इस तरह से तेल को संगड़ा लें, टघाड़ लें ताकि एक्स्ट्रा तेल सब निकल जाए। तो हम इस तरह से तेल को संगड़ा ले रहे हैं। देखिए एक्स्ट्रा तेल सब निकल जाएगा और मिर्ची भी निकाल ले रहे हैं। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। अब चलिए हम इस तरह से चावल को एक बॉल में निकाल लिए हैं। अब हम आपको गार्निशिंग करके दिखाते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया से निकल गए हैं। और इधर में हम कढ़ी रख देते हैं और ये मिर्ची पकौड़े, प्याज के पकौड़े हैं और ये आलू पकौड़ा। ये देखिए इस तरह से हम गार्निशिंग कर लिए हैं। आपको कैसा लगा ये थाली, कढ़ी चावल पकौड़ा का थाली, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कितना बढ़िया लगा। दिखने में खूबसूरत लग रहा है ना, तो इस तरह से आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए सबको। और अगर अच्छा लगे हमारा ये रसोई खाना भोजन तो सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर नए दोस्त फ्रेंड हैं हमारे तो शेयर लाइक करिएगा ही, लेकिन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल फ्री है, तो बेल आइकन दबाइए
ताकि नए वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले देखने के लिए। यदि अगर हमको सुनना चाहते हैं, खबरी ऐप पर फूडी जोन है तो हेडफोन लगा करके आप सुन सकते हैं, ईयरफोन लगा करके सुन सकते हैं। तो इस तरह से हर तरह के आपको रसोई से मिल जाएगा। तो फूडी जोन से हम वहाँ हैं, तो वहाँ भी आप एक फॉलो कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन उसमें भी दबा दीजिएगा ताकि आने सुनने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ भी आप फॉलो शेयर लाइक कर सकते हैं रसोई मीना की। हम टिकटॉक पर भी हैं, वहाँ भी आप फॉलो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं रसोई मीना की। रसोई मीना से ही हम मिलेंगे, रसोई मीना की सर्च कीजिएगा तब। यूट्यूब पर तो है ही रसोई मीना की। तो बस इस तरह से देखिए और खाइए, आनंद लीजिए, और फिर से मिलते हैं हम एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।